हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी की बेस्ट प्रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ाने का आनंद बदल सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज पतले लेंस के लिए फोकस दूरी या संयुक्त में रखे आपस में लेंसों के लिए फोकस दूरी, उन सभी जो फार्मूले मैंने आपको प्रूव करवाए थे उनके लिए कुछ यहाँ पे मोस्ट जो वो है न्यूमेरिकल है करवाने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का एक आसान तरीका यह होता है कि गिवन वैल्यू सबसे पहले लिख ली जाती है। जो भी न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू होती है उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक उभयोत्तर लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है दोस्तों त्रिज्या। तो दोस्तों, आप उभयोत्तर का मतलब क्या है, दोनों उभरे हुए हो। उभयोत्तर लेंस जब भी कभी क्वेश्चन में दिया होता है तो पहला R1 का मान जो होगा प्लस होगा और R2 का मान माइनस होगा। आप इतनी बात याद रख लीजिए, आपको पता भी होगा। तो R1 का जो मान होगा वो भी 20 होगा क्योंकि कह रहा है कि उभयोत्तर लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या, मतलब R1 और R2 दोनों का मान क्या है 20 है। परंतु अगर उभयोत्तर दिया है तो वहां पर आप R1 का मान प्लस रखेंगे और R2 का मान क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। इसके बाद कह रहा है तथा लेंस से कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस से कांच का अपवर्तनांक यानी एन इक्वल टू 1.5। एन हमारा क्या होता है अपवर्तनांक, तो फोकस दूरी हमें गिवेन करनी है। मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिस पर मैंने आपको बताया था कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करिएगा। जो कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 1/f बराबर, इसे प्रूव करवाया था n-1 और इंटू में 1/R1 - k 1/R2। तो उम्मीद करूंगा कि इसके डेरिवेशन को यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिए और इसे सिद्ध करना सीख लीजिए, क्योंकि ये या फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड पर आपके 2020 पर। तो प्रिपेयरिंग करते हैं, यदि आप मस्ट 90+ पाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी सभी की वैल्यूज रख लेते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो 1.5 इसे मैं यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ -k1 और इंटू में R1 का मान है जो हमारे पास 20 है और ये हमारा R2 का मान है जो तो -k20 है। तो -k1/-20। इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें इसको जब हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 और ये हो जाएगा 1/20 और ये माइनस मिलकर बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/20। इसके बाद इसमें हम 20 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 0.5 और जब यहाँ पर हम 20 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1+1। तो और हमारे पास बचने क्या वाला है, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा 0.5 उसी प्रकार रह गया और ये 1 1 जुड़ गया। तो इधर मल्टीपल का साइन लगा लेंगे तो 2 हो जाएगा 2/20। तो इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/10, इसे मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचा 0.5/10। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, इधर 0 पाएंगे, 5 91 5 और 20 25 100। तो 1/20 क्या आ जाएगा, 1/f बराबर आ गया 1/20। तो हमें f बराबर चाहिए तो इन दोनों को पलट देंगे तो f बराबर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 20। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा कि इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन को करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उभयोत्तर लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा लेंस से कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर अपवर्तनांक आपको 2 गिवेन है और कह रहा है तथा द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, किसी भी द्रव का हो सकता है। तो लेंस की वायु तथा द्रव दोनों में आपको फोकस दूरी अलग अलग ज्ञात करनी है। आपको एक बार एयर में ज्ञात करनी है, एक बार द्रव में ज्ञात करनी है। तो समझिएगा मेरी बात, द्रव में कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि कांच का अपवर्तनांक या वायु का अपवर्तनांक 1.5 होता है तो आपको बता दो जो द्रव होता है उसमें इसको डुबोया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन पे लिखा होगा आपको साफ साफ कि 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव को
1.7 वाले अपवर्तनांक पर डुबोया जाता है। मेरे कहने का मीन्स ये है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलना हो, किसमें घोलना हो, H2O में घोलना हो। तो जो ये घोलने वाला जो आइटम है, SO2 गैस है, ये घुलेगी तो ये ऊपर रहेगी, परंतु जिसमें घुलेगी वो नीचे रहेगा। तो मेरे कहने का मीन्स पूरी पूरी पर्टिकुलर क्या है कि जब आप द्रव में निकालेंगे किसी अन्य द्रव पर अपवर्तनांक का मान निकालेंगे तो आप करेंगे क्या कि इसमें इसका देंगे भाग, तभी जाके आपका आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले हम एयर पर निकाल लेते हैं। तो जो देखते हैं हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या है, तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, तो मैंने जब बताया था कि उभयोत्तल लेंस होता है तो R1 का मान हम क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद R2 का मान हम लेते हैं माइनस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास दिया गया है कि जो कांच का अपवर्तनांक है वह n बराबर कितना दिया गया है, 1.5 है। तो हमें कह रहा है इसमें एयर की निकाल लेते हैं पहले। तो जब हम एयर की फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f = FA कर लेंगे इसको, n-1 और इनटू में 1/r1 और माइनस के 1/r2। तो अब इसको जब जैसे ही इस पर मैं वैल्यूज रखूंगा तो हो क्या जाएगा, एयर पे निकाल रहा हूँ तो 1/FA और n-1, तो n की वैल्यू है 1.5 माइनस के 1, और इसके बाद इधर जब मैं वैल्यू 15 रखूँगा R1 की, और ये माइनस का ऑलरेडी 10 है, और जब मैं इधर माइनस का R2 रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको बता चुका था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद जब मैं 1.5 में 1 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.5। इसके बाद मैं यहाँ पे LCM ले लेने वाला हूँ, कितना 30 ले लेता हूँ, तो 15 × 30 में देख रहा हूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 × 30 = 2 और 10 × 30 = 3, तो ये हो क्या जाएगा, कुल मिला के बनने के वाला है, यहाँ पे समझ लीजिए ये हो जाएगा 1/FA = 0.5 और 5/30। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 5×6 = 30, तो हो क्या जाएगा दोस्तों, 5×9 = 5, 5×6 = 30। तो यहाँ से आपको फाइनली निकल के आ जाएगा 1/FA = निकल के आ जाएगा 0.5/6। तो इसको हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ ऑलरेडी मुफ्त में पाएंगे, तो इससे इसको जब काटेंगे तो 5×9 = 5 और 5/60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/12। तो जब हमारे पास 1/12 आ जाएगा तो यहाँ पे 1/FA = दिया गया है 1/12। तो इसमें आप सीधे सीधे जब आपको ऐसे मिल जाता है तो एफ ए की मान रख लेते हैं, या फिर आप एफ ए का मान निकालने के लिए इसको पलट सकते हो, या फिर आप इनका तिर्यक मल्टीपल आपस में कर सकते हो। तो एफ ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर पर ही वैल्यू निकाली थी। तो हमारी जो एफ ए पे आ गई वह हमारी 12 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे फाइनली द्रव पर, क्योंकि हमको वायु पर निकालनी थी तो मैंने एयर पर निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा यहाँ से द्रव में फोकस दूरी का मान कितना होगा, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो यहाँ से मुझको क्या निकालना है, द्रव में निकालना है। काहे में निकालना है दोस्तों, द्रव पर निकालना है। काहे का मान, फोकस दूरी का मान। द्रव पर जब मैं एफ का मान निकालूंगा तो मैं सिंपल सा फंडा तो वही लगाऊंगा, लेकिन इसमें फर्क क्या आ जाएगा, हमें दो अपवर्तनांक गिवेन हो जाएंगे, एक अपवर्तनांक ही और एक अपवर्तनांक है। तो मेरी बात समझिएगा, जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या होता है, ये वाला फार्मूला मैं आपके लिए बना देता हूँ। 1/FA = n-1 होता है तो n/n कर लेंगे आप, माइनस का 1 और अपान में 1/R1 और माइनस में 1/R2। तो इससे होगा क्या दोस्तों, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब ये 1.5 जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाएगा, और जो दूसरा अपवर्तनांक दिया होगा वो हमेशा नीचे रखा जाएगा। अक्सर यही होता है, क्योंकि 1.5 जो होता है कांच का अपवर्तनांक होता है वही ऊपर रहता है, उसी को दूसरे द्रव में डुबोया जाता है। तो अक्सर जो, अब मेरी बात ये मैंने आपको बता दी कि जब किसी द्रव में डुबोया जाता है तो जिस पर द्रव डूबता है उसे नीचे रखते हैं, जो डूबता है उसे ऊपर रखते हैं। इतनी बात उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। द्रव में जब हमें निकालना है तो हम आप ऐसे निकालेंगे, तो 1/FA = n का मान हम यही कांच का अपवर्तनांक 1.5 रखेंगे। मैंने बताया 1.5 हमेशा ऊपर रहेगा, और इस n डैश का जब भी कभी आपको द्रव पर निकालना हो, या फिर आप क्वेश्चन कह रहा हो कि कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.5 इतना था, कांच के लेंस के अपवर्तनांक को 0.7 या 7 के अपवर्तनांक पर डुबोया जाता है, तो वहां पर मैंने आपको बता दी कि जिस पर जो डूबेगा उसे ऊपर रखेंगे, जो डुबा लेगा उसको नीचे रखेंगे। तो ये 1.7 हो गया। इसके बाद माइनस के 1 और
अब उभयोत्तर लेंस से तो वही सिस्टम रहेगा, आर वन का मान वही मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, आर वन का मान 15 सेंटीमीटर प्लस में रखेंगे और आर टू का मान जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर इसे माइनस में रखेंगे। अगर यहाँ पर अवतलोत्तल दिया होता, क्या दिया होता, अवतलोत्तल, तो दोनों को हम क्या कर देते, माइनस कर देते। अगर यहाँ पर समतलोत्तल दिया होता तो एक को आर वन का मान हम इनफाइनाइट कर लेते। तो यहाँ से मैं आगे के न्यूमेरिकलों में सब कुछ सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, तो यहाँ आर वन का मान क्या होता है दोस्तों, 15, तो 1/15, और माइनस माइनस ये हमारा क्या कर देगा, प्लस, तो 1/10। कुल मिला के जब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम इस पर देखेंगे इधर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हो क्या जाएगा 1.5 माइनस 1.7 और अपान में 1.7। मैंने किया क्या, यहाँ से 1.7 एलसीएम जब ले लूँगा तो 1.7 से 1.7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 आ जाएगा। इसके अपान में 1 मान लूँगा, तो जब इसका मल्टीपल इसमें करवाऊँगा, इसका भाग जब इसमें दूंगा तो 1.7 आ जाएगा। 1.7 का मल्टीपल जब 1 में कराऊँगा तो 1.7 आ जाएगा। अब इसमें क्या किया मैंने, अब इधर में मैंने 30 एलसीएम ले लिया, अब इधर से इसमें जब भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीपल जब 1 में करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये प्लस लगा तो प्लस का साइन उसी प्रकार लगाऊंगा, फिर इस 10 का भाग में इस पर दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीपल 1 पर करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब होने क्या वाला है इधर समझ लीजिएगा, 1.5 में हम 1.7 को जब घटाएंगे तो हमारे पास मेरे ख्याल से 0.2 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का। तो बस यहाँ पे अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जब 1.7 में आप 1.5 घटा देंगे तो आपका 0.2 आएगा, लेकिन 1. जिसका साइन बड़ा होता है, बड़ी वैल्यू में जो भी साइन होता है आंसर उसी में आता है, उसी साइन पर। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1.7 है, इस पर माइनस का साइन है, तो जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो भी माइनस में आ जाएगा, अपान में 1.7। इसके बाद मल्टीपल का यहाँ साइन लगाएंगे और ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5, और बटा में 30, तो 5 6 के 30 से कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसे हटाऊंगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 × में कुछ नहीं होगा मल्टीपल में, क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा अपान में 1.7, और ये हमारा जो है मैंने इसको काट दिया था, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा था, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, इसके बाद इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, तो जब कैंसिल कर दूंगा तो हो क्या जाएगा, 1.7 × 30। यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैं इसे काट दूंगा तो 2 × 3 = 30 बचेगा। इस पर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा। अब मैं इस पर मल्टीपल करवा लूंगा तो 17 × 51, तो 10/510। अब इसमें मैं भाग दूंगा तो 0. कितना हो जाएगा, 100। फिर यहाँ पे लगाऊंगा तो हो जाएगा 1000। फिर 1 जाएगा तो लगभग में ये आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ इसी सीरीज पर, बस आज की वीडियो यहीं पे फिर समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक भी स्किप ना करते हुए बहुत अच्छे से देख लेना। तो कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों वक्रता त्रिज्याएं आर वन दे दिया, इसके बाद हमें आर टू दे दिया, तो आर वन का मान भी हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया, और आर टू का मान जब उभयोत्तल दिया होता है तो हम माइनस का 20 सेंटीमीटर कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या दे दिया, तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ और मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा जो कि आप कर पाएंगे। परंतु मैं यहाँ पे कितने मेथड बताते हैं, 2 मेथड आपसे पूछ रहा है, क्षमताओं का अनुपात, क्या का अनुपात, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षमता होती है पी, तो हमें पी अपॉन पी डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको पता है पी बराबर होता है 1/f, क्या पता हुआ है, पी बराबर होता है 1/f। तो यदि मैं इधर से 1/f रखूंगा और इधर से 1/f रखूंगा तो मेरे पास निकल कर फाइनली आ जाएगा f′/f, निकल के आ जाए कि नहीं। तो चाहे आप क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए पहले दोनों की फोकस दूरियाँ, एक की निकाल लीजिए पहले अलग से f बराबर n-1 लगा करके, तो उसमें कांच का अपवर्तनांक 1.5 रख दीजिएगा। जो भी फोकस दूरी आ जाए उसको p बराबर 1/f करके p की वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, n/n कर देना है, उसमें n' जिसमें इसको डुबोया जाता है 1.25 को, तो 1.5/1.25 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या का मान रखते हुए। अन्यथा जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी कर लेना। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट पे करूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन आसानी से हो सके। तो दोस्तों समझिएगा, इस फार्मूले की मदद से हमें क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। जल्दी सवाल को पढ़ देता हूँ। एक उभयोत्तल लेंस की
पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस से कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाता है तथा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक में डुबोया जाता है। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आप करेंगे सिंपल फंडा आप अपनाएंगे जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको पता है पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आप जानते होता है 1/f। क्या होता है पी बराबर 1/f, यानी कि मेरे कहने का मतलब आपका फार्मूला होता है 1/f बराबर एन माइनस के 1 और इंटू में होता है 1/r1 और माइनस का 1/r2। तो बोलिए दोस्तों जहाँ पे 1/f लिखा होगा वहाँ पे पी आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो इस 1/f के स्थान पर आप पी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला पी बराबर एन माइनस 1 और 1/r1 और माइनस 1/r2 बन सकता है। क्यों, क्योंकि p के बराबर होता है 1/f। तो इसी की मदद से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ क्योंकि आपको मैंने समझा दिया, अब क्वेश्चन को करूँगा। यहाँ से सबसे पहले मैं वायु के लिए निकालता हूँ। किसके लिए निकालता हूँ, वायु के लिए। तो यहाँ से वायु के लिए मैं फार्मूला लगा दूंगा 1/f बराबर, यानी कि पी बराबर कर सकता हूँ। तो पी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है एन माइनस के 1 यानी कि 1.5 माइनस के 1 और 1/r1। तो मैं यहाँ पे दोस्तों r1 और r2 के मान नहीं रखने वाला क्योंकि इन दोनों का जो मुझे अनुपात निकालना है यानी भाग देना पड़ेगा। तो पहले p1 निकाल लेता हूँ, p निकाल लेता हूँ, फिर p डैश निकाल लूँगा, इनका भाग दे दूंगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 0.5 और इंटू में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद अब मैं सेकेंड को पी डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पी डैश मान लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो हो क्या जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो 1.5 होता है हमेशा इधर ऊपर रखा जाता है और नीचे जो वैल्यू होती है उसे जो दूसरा वाला अपवर्तनांक दिया होता है उसे बटा में किया जाता है जब हम द्रव के लिए निकालते हैं। जब द्रव के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, द्रव के लिए। जब आप वायु कांच के लिए निकालेंगे तो सिंपल निकालेंगे और द्रव के लिए जब निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे। तो 1.25 इधर आ जाएगा, इधर वन लगाएंगे एक जीरो और इधर दशमलव खत्म कर देंगे और 1/r1 और माइनस के 1/r2 इसमें भी लिखे रहेंगे। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हो क्या जाएगा, इससे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मैं इसके 25 से कैंसिल कर देता हूँ। तो 25 चौको 100 और 25 दूनी के 50, तो हो क्या जाएगा 25 छक्का 150 और 25 पंचे 125, तो 6/5 हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। और हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है एन माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था जब आप द्रव के लिए निकालते हैं तो हो जाता है 1/f बराबर, यानी कि पी डैश बराबर हो जाएगा आपके पास फार्मूला एन 1/n माइनस के 1 और इंटू में हो जाता है 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसी फार्मूले का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस के 1 और इंटू में 1/r1 माइनस के 1/r2। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसका जब मैं एलसीएम ले लूँगा, अब इधर आप समझ लीजिए जगह की मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्योंकि मैं कभी कभी क्लासरूम पे पढ़ाता हूँ, नहीं तो घर पे छोटा सा बोर्ड लगाए हुए हूँ। तो जब मैं यहाँ पे उम्मीद करूँगा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं 6/5 में से एलसीएम लूँगा, इससे 6/5 को 1 इधर रखूँगा और एलसीएम लूँगा। तो हो क्या जाएगा 6 माइनस के 5/5 हो जाएगा दोस्तों, ये 6 माइनस के 5 क्योंकि मैंने 5 एलसीएम लिया, 5 एकम 5, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो कुल मिला के यहाँ से बचेगा 1/5 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको क्या मान लूंगा, समीकरण नंबर। अब समीकरण एक का भाग दे दूंगा समीकरण नंबर दो में। जब एक का भाग मैं दो में दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है पी, तो ये हमारा हो जाएगा पी अपान। अब मेरे पास स्थान नहीं बचा कि मैं आपको कहीं पे भाग दे के दिखा सकूं, लेकिन फिर भी मैं आप कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा पी अपान, मुझे करना है पी अपान में पी डैश। तो ये मैंने पी डैश की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 0.5 और अपान में दिया गया 1/r1 छोटा छोटा लिख देता हूँ माइनस 1/r2। तो ये हो गया और ये पी पी डैश की वैल्यू क्या है, पी डैश की वैल्यू है 1/5 और ये है इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस 1/r1 से 1/ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0.5/1/5। इसके बाद इधर आप 1 मान लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/25 क्या हो जाएगा 5/25
और ये हो जाएगा अपॉन वन, और ये पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। जब इस पॉइंट को हटाओगे तो 100 हो जाएगा, तो यही 25:4 आपका क्या हो जाएगा, 25:100, यानी 25 × 25 और 25 × 100, तो पी अपान में पी डैश का जो अनुपात होगा वो 1:4 आ जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।